तू डाल डाल तो मैं पात पात, यह एक मुहावरा है और एक बहुत ही सटीक, यह मुहावरा बहुत ही सटीक बैठता है यूपीपीसीएल जेई के एग्जामिनेशन के ऊपर। आपको बता दें कि यूपीपीसीएल ने ऐसा मतलब कार्ड गेम, ऐसा गेम खेला है ना कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही परेशान हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर बहुत ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका एक पैटर्न कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो यूपीपीसीएल है स्टूडेंट्स के साथ गजब का गेम खेल रहा है। सबसे पहले यह इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस किया था, तो स्टूडेंट लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के गए थे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के गए तो पीएलसी स्काडा आ गया, पीएलसी स्काडा पढ़ के गए तो आईएमआर मेंटेनेंस आ गया। उसके बाद जब वो सभी चीज़ें पढ़ के गए हैं तो इस बार मैथमेटिक्स आ गया। अब यह जो मैथमेटिक्स वगैरह है बहुत टफ नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज सो हार्ड, इट्स वेरी वेरी सिंपल। बट एक्चुअली बात यह है कि अगर आप मैथमेटिक्स छोड़े हैं, इंटीग्रल का जो मेन फार्मूला है वही आपको याद नहीं है या डाउट में आ गए तो फिर आपके लिए टफ हो गया। सो इट्स बिकेम हार्ड अगर आपको फार्मूला एग्जैक्ट याद नहीं है तो। और वही बात कि यह थोड़ा सा सिलेबस से आउट होने के बाद, या कह लीजिए कि सिलेबस से थोड़ा हट के जो सब्जेक्ट है उसको कहाँ स्टूडेंट लोग उतने डीपली पढ़ते हैं या नॉर्मली पढ़ते हैं, तो जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो तो सबको याद ही होते हैं, लेकिन अगर फार्मूले में भी थोड़ा सा डीप फार्मूला पूछ लिया जाए तो जरूर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे या फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो इस तरह से यूपीपीसीएल जेई भी कह रहा कि भैया तुम डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात चलूंगा। यहाँ पर गजब सा उसके अंदर एक गेम खेलने की कला आ गई है और स्टूडेंट लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को, और जब समझ रहे हैं जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो कुछ और ही होकर दे रहा है। मतलब कि गजब का माइंड गेम चेंजर हो गया है। ठीक है, चलिए आज के रिव्यू को हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि आज 29 तारीख, आज 29 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्या पैटर्न रहा है, कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। तो यह जो वीडियो हम बनाएंगे, आपको बता दें कि यह वीडियो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है स्टूडेंट से जिनसे हम बात किए हैं, उनके बिहाफ पे हम ये बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 28 वाला फर्स्ट शिफ्ट में तो ऑलरेडी हम एग्जाम दिए हैं, तो हमको पता था कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम वीडियो बना के अपलोड किए हैं, आप देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और यह वीडियो हम आपको बताएंगे आज की डेट के में कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम आपको बता दें तो ये कि रेशियो में क्वेश्चन आ रहा है, ये बात मानना पड़ेगा भाई, यह बात एक्सेप्ट करना होगा कि जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ इन ए रेशियो, मतलब एक रेशियो में तो पूछा जा रहा है, मतलब कि मशीन से भी, यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक से भी, पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, उसके बाद आपका अगर बेसिक वगैरह कह दें तो सभी जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन 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 वेट वेट, ऐसा नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ही इंजॉय की बात है, अच्छी बात है। हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ हम इसको जानते हैं, पहचानते हैं, इसको तो हम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको बता दें कि उसका जो डिजाइनिंग है, इसका लेवल जो इतना खतरनाक हो गया है ना कि क्वेश्चंस आपके सामने है, आपको समझ में भी आ रहा है, एकदम मजा भी आ रहा है पढ़ के, लेकिन जो ऑप्शन है ना उसमें आप डाउट कर जा रहे हैं, इतना खतरनाक डिजाइनिंग कर दिया है। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, देखिए मशीन एसजीपी पावर सिस्टम जो भी कह लीजिए, यूटिलाइजेशन पावर सिस्टम का ही पार्ट है, तो जनरेशन मतलब कि पावर प्लांट वगैरह, उसके बाद आपका यूटिलाइजेशन, उसके बाद एसजीपी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ईआईएम, उसके बाद मशीन, उसके बाद पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, उसके बाद बेसिक, हर जगह से एक रेशियो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन सभी का सभी जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, न्यूमेरिकल्स थोड़ा हार्ड पूछे जा रहे हैं, जो अच्छे से न्यूमेरिकल्स डीपली लॉन्ग क्वेश्चन जो बुक्स वगैरह में होते हैं ना, उस तरह का अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं, आप प्रैक्टिस किए हैं तभी कर पाएंगे। और उसके बाद पीएलसी स्काडा जो पूछ रहा है, आपको बता दें कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन ना तो कहीं किताब में दिया है, अब बहुत हायर लेवल की किताब की बात नहीं कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक लेवल में किताब चल रही है उसके सेमेस्टर में चल रहा है उसमें दिया हुआ है नहीं। जैसे कि पिछला एग्जामिनेशन में पूछा था कि विंड टर्बाइन में जो उसका ब्लेड हो अकॉर्डिंग एयर का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग घूमने के लिए कौन सी पीएलसी यूज होती है, तो ये सब न तो बुक्स में दिया, न कहीं कोचिंग बताया गया, न तो किसी ऑनलाइन कोचिंग, ना ऑफलाइन कोचिंग। इस तरह से आप समझ सकते हैं ये सब क्वेश्चंस छोड़ने वाले ही है, सभी लोग छोड़ेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक है, जैसे पूछ रहा है कि इसमें से सही कौन नहीं है, सही पूछता तो एक ही हमको देखना होता, ये गलत लग रहा है, नहीं है का मतलब तीनों ऑप्शन पढ़ना होगा, चारों ऑप्शन पढ़ना होगा, तब एक हमको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सही नहीं है। और एक चीज़ और बता दें कि पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, लेंदी का मतलब कि टाइम टेकन है, इसमें आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने में भी टाइम जा रहा है, साथ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है ऑप्शन वो भी लंबे लंबे हैं तो उनको भी पढ़ने में टाइम जा रहा है। इस तरह से बहुत ही लेंदी पेपर है, मतलब
बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन वाला पेपर है। और उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी सेम इसी तरह है, वहाँ पर भी बहुत ही खतरनाक ढंग से रीजनिंग पूछी जा रही है। और बेसिकली इस बार सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से जो डायग्राम अगर बनाने में टाइम जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो ऑल ओवर कहने का मतलब कि जो पेपर्स डिजाइन किए गए हैं बहुत लेंथी टाइप पेपर डिजाइन किए गए हैं, 3 घंटा का टाइमिंग कम पड़ जा रहा है इस तरह से जो पेपर डिजाइन किया गया है। और उसके बाद हिंदी की भी वही बात है, बेसिक हिंदी अगर आप पढ़ ही गए हैं, नामली विलोम शब्द वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही लेवल अप करके हिंदी पूछा है, टेट सुपर टेट के लेवल का। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि पेपर का एक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन कर लीजिए वो क्या है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्जामिनेशन अभी होना है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है नेक्स्ट जो हम स्टेटमेंट आपको बोलेंगे कि प्लीज़ आप लोग तुक्का ना मारें। आपको अगर देखिए, हम एक रेशियो देखे हैं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है 140-50 के आसपास में हैं, ठीक, किसी किसी ने 170-175 उसके बाद 160-165 किया है, तो मान लीजिए कि उसमें ज़रूर वो तुक्का मारा होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो किए जा रहे हैं वो 140-50 के रेंज में है। अब इस तरह से अगर आप तुक्का मार देंगे ना कि हमको 160 नंबर प्लस जाना है, तो तुक्का में पता चला कि बहुत सारा गलत हो जाएगा, जो सही है वो भी नंबर कट जाएगा, आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। प्लीज यह हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग तुक्का ना मारिएगा, तुक्का मारेंगे नंबर कम हो जाएगा। आपको बता दें कि जो मेरिट है बहुत हाई नहीं जाने वाली है, 130 प्लस के आसपास मेरिट रहेगी, मतलब कि जनरल की बात कर रहे हैं, 130 प्लस या कह लीजिए 140 कह लीजिए, लेकिन तुक्का मत मारिएगा। तो इसी के आसपास 130 से 40 के आसपास आपकी मेरिट रहने वाली है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो 125 प्लस मेरिट रहेगी, एससी की बात करें तो आप समझ लीजिए कि 110-115 के आसपास आपकी मेरिट रहेगी। तो तुक्का ना मारें प्लीज, आप एकदम उतना ही करें जितना आपको आ रहा है। अगर 130-140 के एवरेज में आ गए आप तो बस रुक जाइए, ठीक। और आपकी को बता दें, हम भूल गए कि आपका करंट अफेयर्स और जो जीके वाला पोर्शन है, यह भी करंट अफेयर्स जो है कि पिछले 19-20 का पूछ रहा है, 2 साल 2-3 साल पीछे तक का पूछ दे रहा है। उसके बाद आपका जो जीके है उसका भी लेवल ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा वो भी लंबे लंबे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, तो पढ़ने में टाइम टेकन हो जा रहा है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पेपर का लेवल क्या है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है, किस तरह से डिजाइनिंग किया जा रहा है और मेरिट कितना जा सकती है। तो इस तरह से सारी चीज़ों का हम यहाँ पर निवारण कर दिए, कहने का मतलब कि आपको एक तरह से अपना हम एजप्शन कर दिए हैं। तो इसी के इर्द गिर्द रहेगी सारी चीज़ें, ठीक। और रही बात रिव्यू की, तो आप समझ गए होंगे कि कैसा पेपर आ रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो प्लीज़ तुक्का ना मारें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप तुक्का ना मारें। ये ना सोचें कि 140 ही क्वेश्चन किए हैं तो कहाँ से हो पाएगा, 130 ही क्वेश्चन किए हैं तो कहाँ से हो पाएगा, ना ना ना, डोंट थिंक अबाउट दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। बिकॉज आपको बता दें कि 130-135 के आसपास ही मेरिट आने वाली है। सो चलिए वीडियो कहीं पर करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्लीज यार शेयर करिए, क्या इशू क्या है, 300-400 प्लस के बाद ऊपर वीडियो में मतलब व्यूज आ ही नहीं रहा है, कम से कम 1000-2000 तो आने दीजिए, बिल्कुल 400-500 तक आके आप लिमिट कर दे रहे हैं। शेयर करेंगे तो अभी व्यूज बढ़ेगा, शेयर करेंगे तो भाई थोड़ा हमको भी मोटिवेट करिए आप। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।